जिला श्री मुक्तसर साहिब के एक गांव में सन 2013 से 19 तक के दरमियान बनी लेडी सरपंच परविंदर कौर की तरफ से गांव के विकास के लिए आई ग्रांट में बहुत बड़ा घोटाला करने का मामला सामने आया है। इसकी जांच के लिए गांव में वीडियो दफ्तर के पंचायत विकास विभाग के एसटीओ जो ब्लॉक में तैनात है की जाँच के लिए मुक्तसर साहिब के गाँव लंडे रोड़े पहुँचे। गाँव में विकास के कामों में घोटाले को लेकर गाँव के ही एक समाज सेवी ने एक राइट इन्फॉर्मेशन डाली थी जिसमे गाँव के विकास की जानकारी ली गई थी। वही जाँच करने टीम के साथ आई इंचार्ज नरेश कुमार एसटीओ ने क्या कहा आइए सुनते हैं। वहीं दूसरी ओर गांव की लेडी सरपंच के पति से जब बातचीत की गई तो उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठ बताया। हां जी असी जो अफसराई सी सरकारी ते असी घर उन्होंने तलाह देन गए सी साहब सरपंच दे उन्होंने कोई इनकार करता हूं नहीं तोड़े दा मिले है थोनू जी नहीं वो आवाजा मारना ते कोई बाहर ही नहीं आया जी कई टाइम काफी टाइम खड़ा रहा। और उन्होंने कहा कि गांव में बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं जिनका उनके पास बकायदा लिस्ट है जो कि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक पूरी तरह से मेंटेन की गई है। ये पंचायती राज श्री मुक्तसर साहब जी के कहने पे मैं पिंड लंडे रोड विखे सबका सरपंच श्रीमती परविंदर कौर वालों करवाए गए कामों की पड़ताल करने लिए इतने हाजिर आया। पिंड के शिकायतकर्ता पिंदर सिंह इतने हाजिर है होर भी पिंड के मुतबर सज्जन हाजिर हुए हैं पर सरपंच इतलाह करवाने के बावजूद भी सरपंच हाजिर नहीं आया। पिंड के चौकीदार को उसके घर भेजा गया शिकायतकर्ता पिंदर सिंह सरपंच दोनों ने ही नोट नहीं करवाया गया इस करके उस पड़ताल मुलतवी करके अज की तरीक रखी गई। मुक्तसर साहिब से ब्यूरो रिपोर्ट एक्शन पंजाब वेब न्यूज़।